पारिजात हरि श्रृंगार से सैकड़ों फूल लेने के लिए आज के वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पारिजात हरि श्रृंगार सैकड़ों फूल यदि इससे हमेशा मिलता रहेगा तो कैसा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई आर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। तो इस समय आप देख सकते हैं हमारा हरि श्रृंगार गजब का फ्लावरिंग कर रहा है। करीब सैकड़ों फूल तो पौधे में लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल जमीन पे गिरे हुए हैं जो कि हम प्रतिदिन इसको उठा लेते हैं क्योंकि जमीन बिल्कुल साफ सुथरी रखते हैं। और इसमें आगे भी इसी तरह से फूल कैसे आए, पौधा नया नया ब्रांच भी अभी भी बना रहा है और आगे के लिए हम इसको तैयार करेंगे ताकि जब तक कि हम इसकी कटिंग न कर दें यह पौधा हमें फूल देता रहे, क्योंकि इसका फूल बहुत ही शुभ होता है और इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। यदि अभी तक नहीं लगाएं तो मानसून जाते जाते इस पौधे को अपने घर में जरूर स्थान दीजिए, उससे आपको और लगाने का भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वैरायटी बता रही हूँ। आप गमले वाली वैरायटी ही लगाइएगा यदि आप गमले में लगाना चाहेंगे तो, क्योंकि यह पौधा बहुत जब इस वैरायटी का रहेगा तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। आप इसके पत्तों को देख करके पहचान लीजिए, यह बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है बहुत कम केयर में। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि इसे अभी इस समय अक्टूबर में हमें क्या देने की ज़रूरत है। यदि हम अक्टूबर में इसको इस तरह की खादें दे देंगे तो आगे से यह पौधा और अच्छा फ्लावरिंग करेगा और इसका फूल आना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा गर्म खादों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इसे थोड़ा सा गर्माहट नहीं देंगे तो आगे से जैसे ही ठंडी पड़ना शुरू होगा यह पौधा फूल देना बंद कर देगा, जैसा कि बहुत सारी लोगों की समस्या होती है कि पौधा बड़ा हो जाता है लेकिन अच्छा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो देखिए हम इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे और यह गमला थोड़ा हमारा टूट चुका है लेकिन इस समय रिपाट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इस समय हम इसको रिपाट कर देंगे तो इसके रूट्स कट सकते हैं और इसकी फ्लावरिंग फिर बंद हो जाएगी। तो हमें इसमें अच्छे खासे इससे फूल मिल रहे हैं, बाहर भी ब्रांचें गई हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है पौधा, करीब 100-200 फूल इससे हमें मिल रहे हैं इस छोटे से गमले से। तो अब हम इसका रिपोर्टिंग जो है फूल लेने के बाद फरवरी में ही करेंगे। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हम इसका रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं, कैसे इसकी मिट्टी बदलते हैं कि इतने अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो देखिए ये है करीब 1.5 लीटर के करीब पानी है, पानी में ही आपको इस चीज़ को देना है। और यह है देखिए सरसों की खली, सरसों की खली आपको इस समय पे यानी कि अक्टूबर में पारिजात को देना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप इसे सरसों की खली दे देंगे, कुछ भी नहीं देंगे तो भी यह पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, लेकिन सरसों की खली फ्रेंड्स कभी भी अकेले नहीं देना चाहिए। तो मात्रा आप देख लीजिए, यह करीब हमारा 12 इंच का गमला है, इसमें आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। देखिए हम इसमें इसको जो है भिगा दिए थे, करीब 100 ग्राम के करीब हम इसमें भिगाएं, लेकिन अभी हम आपको मात्रा वो सरसों की खली दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम पहले थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। बस आपको डालना इतना है कि यह बिल्कुल पतला होना चाहिए, इसकी घोल जितना पतला आप डालेंगे उतना पौधे के हर रूट्स को मिलेगा और पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी कितनी वेल ड्रेन है, तो मिट्टी आपको इस तरह से ही रखनी है ताकि उसके हर रूट्स को मिल जाए ये जाए। तो अब इसके साथ दूसरी चीज हम क्या डालेंगे, नीम की खली। आप देख सकते हैं यह नीम की खली है, इसे इस समय देना इसलिए जरूरी है, इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो यह एंटी फंगल है, सबसे बड़ी चीज। पौधे में आप सरसों की खली दे रहे हैं और सरसों की खली से कभी कभी पौधे में यदि आप अकेले दे देंगे तो फंगस भी लग सकता है। मैं जो है ऐसा गार्डनिंग नहीं करती हूँ जिससे कभी भी पौधा मेरा कोई खराब हो, और पौधा हमेशा बहुत अच्छे से विकास भी करता है। तो एक मुट्ठी
और थोड़ा सा, यानी कि भर करके एक मुट्ठी आपको लेना है यदि 12 इंच का गमला है तो। अगर उससे छोटा है तो मात्रा इतना लीजिए, उससे बड़ा है तो बढ़ा दीजिए। आप अपने पौधे के उम्र के हिसाब से मात्रा रखिए, यदि थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्योर जैविक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो कोई परेशानी होगी। हालांकि फिर भी आपको मात्रा गमले के हिसाब से ही डालना चाहिए। इसमें एंटी फंगल होने के साथ साथ इसमें जो है बहुत ही अच्छे मिनरल्स होते हैं, जो कि पौधे के रूट्स को गर्माहट भी देते हैं। बहुत गर्म होता है नीम की खली, इसीलिए बोला जाता है कि नीम की खली को गर्मी के मौसम में बहुत कम देना चाहिए, और ठंडी में यह रामबाण होता है, बहुत ही अच्छा असर करता है पौधे में। तो ये जो है इसको हम पहले ही दे देना है हमको। पहले देने से ये फायदा है कि जो हम इसे डालेंगे इसमें, तो यह जो है इसके हर रूट्स को, इसके साथ साथ यह भी जाएगा, तो दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे। दोनों जो है पौधे में जा करके इसके रूट्स को गर्माहट देने के साथ साथ, सरसों की खली में क्या होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, साथ ही साथ यह मिट्टी को एसिडिक बनाए रखता है, जिससे कि इसकी मिट्टी जब एसिडिक रहेगी तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगा। साथ ही साथ इस मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भोजन बनाने में भी यह मदद करता है। तो सरसों की खली, और सरसों की खली आपको हम मात्रा भी बता दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि कौन सी खली आपको लेनी है। तो देखिए, यह मात्रा आपको इतना रखना है 12 इंच के गमले के लिए। थोड़ा हमारा पुराना हो चुका है तो इसे ऐसा दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसको भिगा करके ही आपको डालना है। तत्काल आपको ऐसे नहीं गाड़ना है इसमें। इससे क्या होगा कि जब आप इसको भिगा देंगे, करीब 2 से 3 दिनों के लिए आप इसे भिगा सकते हैं, उससे जो है इसकी गर्मी भी निकल जाएगी और यह अच्छे से डीकम्पोस्ट हो जाएगा, और जो लिक्विड आप डालेंगे तो इसके हर रूट्स को मिलेगा, पूरा जड़ तक ये चला गया, तो इससे फायदे होंगे। और यदि आप इसे दबा दे रहे हैं तो कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो यह काम आपको फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं करना है। ऐसे आप इसे कर सकते हैं, जब पौधा फ्लावरिंग न करता रहे तब आप इस तरह से ऐसे इसे गाड़ सकते हैं, लेकिन जब आप पौधा फ्लावरिंग करे, कोई भी पौधा, तब आप इसका लिक्विड ही बना करके इस तरह से भिगा करके किसी बर्तन में रख दीजिए और जिस पौधे को जरूरत हो उसे दीजिए। तो आपको, और ये दोनों खादें अक्टूबर में आप जरूर डालिए, यदि आपको आगे भी इसी तरह से फ्लावरिंग लेना है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका पौधा बहुत अच्छे से आगे भी फ्लावरिंग करता जाएगा, जब तक कि आप इसकी कटिंग न कर दें। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की ये जानकारी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।